देखो एक काम सब लोग घर में कर लेना, इंशाल्लाह सुकून हो जाएगा। घर में चीखने पर पाबंदी लगा दो, बस कोई भी नहीं चीखेगा, ना अब्बा ना अम्मा ना बच्चे। ऐसा सुकून पैदा हो जाएगा ना कि हटो बच्चों। और इसके लिए लुकमान अलैहिस्सलाम वाला वाकया सुना दो। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे से क्या कहा कि बच्चे जब भी बात करना आराम से। क्यों? सबसे बुरी आवाज किसकी होती है? गधे की। गधे की बात बुरी नहीं होती, स्टाइल क्या होता है? बुरा होता है। तो अगर आपने इतना भी कर लिया ना, घर में चीखने पर पाबंदी, ना बाप चीखे, ना मां चीखे, ना औलाद चीखे, तो ऐसा लगेगा जैसे आग पे ना ठंडा पानी डाल दिया। और ये शुरू से, जब शादी हो ना जिस दिन, उसी दिन से माहौल बनाना पड़ता है। दुल्हन जब आई उसको समझा दो, बेगम कोई भी बात होगी होगी तमीज से, मैं भी जब कोई बात करूंगा तो कैसे करूंगा? तो अब तो कभी से ही मूड नहीं हो रहा आप लोगों का, तो क्या करोगे? तमीज से मुंह से बोल तो दो ना, जो बात होगी कैसे होगी? चीखना चिल्लाना नहीं होगा बस, आधे से ज्यादा काम। क्योंकि बच्चे मां बाप को चीखता चिल्लाता देखते हैं तो चीखना सीखते हैं, माओ को चीखना चिल्लाना देखते हैं, हाँ माँ बात बात पे टूट रही है, बच्चे को पड़ गया, चीख रही है, कंबहत उल्लू का पट्टा पैदा हो गया, और ये वो ऐसा चीख रहा है, तो फिर बच्चे के अखलाक भी ऐसे ही हो जाते हैं। और अगर आराम से समझाएगी तो बच्चा भी क्या होगा, बात आराम से करेगा। तो ये बहुत अहम पॉइंट की बात है, घरों में चीखने के माहौल को क्या करो, बोल लो ना ताकि सबक याद हो जाए, खत्म करो बेटा तमीज से। तो दुल्हन जब आई है उससे तमीज से बात का आगाज करो, उससे बोलो मेरी कल आपसे शादी हुई थी, इस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूं। इतनी भी तमीज सही नहीं।